सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो थ्योरी आ रही है वो हो रही है पारिवारिक विवाद। लेकिन सवाल ये है कि अगर दोनों पक्षों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में, दोनों व्यक्तियों के बीच में अगर ये पारिवारिक विवाद था तो फिर आखिर बच्चे को निशाना क्यों बनाया गया? जो टुकड़े मिलने के शीशे के आरोप लग रहे हैं, वो शीशे कहां से आए, वो शराब की बोतलें कहां से आई, इन अटकलों का बाजार भी काफी गर्म है और ये थ्योरी भी काफी अहम चल रही है। बदायूं डबल मर्डर हत्याकांड को लेकर कई सारे बातें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, कई सारी थ्योरीज भी निकल के सामने आ रही हैं कि आखिर हत्या के पीछे का क्या वजह हो सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो थ्योरी आ रही है वो हो रही है पारिवारिक विवाद। लेकिन सवाल ये है कि अगर दोनों पक्षों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में, दोनों व्यक्तियों के बीच में अगर ये पारिवारिक विवाद था तो फिर आखिर बच्चे को निशाना क्यों बनाया गया? ये सामने दुकान आप देख रहे हैं, ये दरअसल वो सलून है, वो नाई की दुकान है जहां पर साजिद और जावेद काम करते थे, और इसके जस्ट सामने वो घर है जहां पर तीनों बच्चे अपनी माँ और पिता के साथ रहते थे, अपनी दादी के साथ रहते थे। तो अगर ये पारिवारिक वजह है जिस थ्योरी को हम मान रहे हैं, तो आखिर इसमें बच्चों की क्या गलती थी और बच्चों की जान क्यों ली गई? दूसरी जो थ्योरी निकल के सामने आ रही है वो है 5,000 रुपए और बीवी के इलाज की। हमने जैसा कि दिखाया था कि सना जो कि साजिद की पत्नी है, उसने साफ तौर पे बताया कि वो स्वस्थ है, ना ही वो प्रेग्नेंट है, ना ही वो बीमार है और ना ही उसे आर्थिक तंगी है। तो इस थ्योरी को सिरे से नकारा जा सकता है कि इसके अंदर जो थ्योरी है पैसे का लेन देन और जो पत्नी के बीमारी का, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सना जो उसकी पत्नी है साजिद की, वो बिल्कुल स्वस्थ है और ये झूठ बोलकर साजिद जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी थ्योरी जो निकल के सामने आ रही है कि ये प्री प्लांट करके पहले रेकी की थी और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। ये मुमकिन है कि घर यहाँ पे सामने सलून है साजिद और जावेद की, और इसके जस्ट सामने घर है, यानी कि अक्सर दोनों के बीच में जो बातचीत है दोनों परिवार में वो होती थी। चाचा और भैया कह के जो बच्चे हैं वो संबोधित करते थे जावेद और साजिद को, यहीं पे वो अपनी बाल बनवाते थे, अपनी हजामत बनवाते थे। बहुत मुमकिन है कि साजिद और जावेद में से कोई एक जो है वो घर के अंदर पहुंचा हो, पहले रेकी की हो और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। पांचवी जो थ्योरी निकल के सामने आती है इसके बाद, वो ये है मोबाइल टावर की। ये कहा जा रहा है परिवार की तरफ से, माँ की तरफ से बच्चों की, कि मोबाइल टावर ना मिलने की बात कहके साजिद छत पे गया था। तो आखिर मोबाइल टावर ना मिलने की बात कहकर वो छत पे क्या प्लान करने गया था? छत पे शराब की बोतलें मिलने के जो आरोप लग रहे हैं, जो टुकड़े मिलने के शीशे के आरोप लग रहे हैं, वो शीशे कहाँ से आए, वो शराब की बोतलें कहाँ से आई, इन अटकलों का बाजार भी काफी गर्म है और ये थ्योरी भी काफी अहम चल रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पहले से ही वहां पे प्री प्लान करके उन चीजों को रखा गया था? साजिद और जावेद ने पहले रेकी की, उसके बाद ऊपर साजिद पहुंचा बहाना कर अपनी पत्नी का, और उसके बाद मौका पाते ही दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। थ्योरी कोई भी हो, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द पता लगाने का बात कर रही है। लेकिन जब तक जावेद पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो है ये पूरी मामले की जो परत है वो खुलती हुई नजर नहीं आएगी। पुलिस का कहना है कि वो 4 से 5 टीमें जावेद के पीछे लगाए हुए है, जांच जारी है और बहुत जल्द जावेद पकड़ा जाएगा और इस पूरे मामले का खुलासा भी होगा। खंडर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑन भारत, बदायूं।